प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड में स्वच्छ अभियान तो चलाया ही गया, साथ ही चारों धाम के मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वच्छ अभियान में हिस्सा लिया और वर्चुअल माध्यम से केदारनाथ और वर्चुअल माध्यम से पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के लिए दीर्घ जीवन की कामना की है। इसके बाद सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वृक्षारोपण भी किया। हर क्षेत्र में आज भारत की जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति हुई, हमने भगवान केदारनाथ गंगोत्री से हमारे चारों धामों से हमारे सभी देवताओं से पूजा अर्चना की है कि भगवान उनको दीर्घायु करे, उनके अंदर हमेशा ऐसी ऊर्जा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहे, उनका नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। इसलिए भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान हमेशा उनको जो है इसी प्रकार से बनाए रखे। वहीं पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के नेतृत्व में त्रिवेणी घाट पर गंगा जी में दुग्धाभिषेक कर जरूरतमंदों को फल वितरित किए। इस अवसर पर अग्रवाल ने मां गंगा से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और लंबे समय तक देश का नेतृत्व करते रहें। हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आज के उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम सब दे रहे हैं। माँ गंगा के पावन तट पर जिस माँ गंगे से माननीय मोदी जी का बहुत प्रेम है, बहुत आगाध उनकी निष्ठा है, तभी उन्होंने गंगा जी को निर्मल करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज हमारे पूरे इस गंगा जी के लिए दिया। और इसी गंगा के पावन तट पर हम सब लोग उनके दीर्घायु होने का, उनके यशस्वी होने का और उनके स्वस्थ होने का हम सभी ने दुग्धाभिषेक यहाँ पे किया है, फल वितरण हम लोग कर रहे हैं जगह जगह। हमारे पे आज बहुत कार्यक्रम, हम लोग यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बहुत से लोग अनेकों स्थानों पे आज कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो मेगा वैक्सीनेशन है उस पर भी हम लोग सब लोग अपना अपने भूमिका अदा कर रहे हैं। मेरा माननीय मोदी जी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि 20 वर्षों से शायद देश का ऐसा पहला व्यक्ति होगा जिसने पहले एक मुख्यमंत्री के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में जन जन की सेवा करने का जो निश्चय लिया था आज वो अराध रूप से और अविरल रूप से वो जारी है। उन्होंने जन जन के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए और तमाम जनता के लिए जिस प्रकार से कार्य किए हैं, मैं तो ऐसा समझता हूं कि ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते खुद को भी खुशी हो रही है। आज पूरा देश का एक एक जनमानस और बल्कि ये कहिए कि विश्व के नेता के रूप में जिस प्रकार से उभरे हैं उनको बधाई देने के लिए आज सब लोग आतुर हैं। फिर से उनको मेरी बहुत बधाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी 71 वर्ष के हो गए हैं और इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।